नंबर वन, इसमें कॉपर की डेंसिटी दी हुई है 8.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए 8.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों? क्योंकि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होते हैं, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 8830 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी 13.6 दी हुई है, और इसकी डेंसिटी हमको CGS यूनिट और SI यूनिट में पता लगाना है। तो सबसे पहले हम CGS में देखें, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब RD की जगह हम 13.6 लिख देंगे, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, क्योंकि CGS सिस्टम में वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो वी विल गेट 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ मरकरी। नाउ इन SI सिस्टम अगेन राइट द फॉर्मूला RD ऑफ मरकरी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहां पर हम फिर से लिखेंगे 13.6 सेंटीमीटर और डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिख देंगे, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी आ जाएगी 13.6 इंटू 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें डेंसिटी ऑफ आयरन दी हुई है 7.8 × 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और आपको इसकी RD या रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। तो RD के लिए फॉर्मूला लिखिए, RD ऑफ आयरन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। पुट द वैल्यूज, RD इज इक्वल टू 7.8 × 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अपॉन 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी। यू विल गेट RD इज इक्वल टू 7.8। क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10.8 दी हुई है, और इसमें डेंसिटी निकालनी है सिल्वर की। तो राइट द फॉर्मूला RD ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। देन पुट द वैल्यूज, 10.8 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, क्योंकि यहां पर हमको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आंसर निकालना है, इसलिए डेंसिटी 1000 ली वाटर की। तो वी विल गेट द आंसर 10.8 × 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर फाइव, इसमें एक बॉडी का मास कैलकुलेट करना है जिसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब दिया है और रिलेटिव डेंसिटी 0.52 दी हुई है। तो अब हम RD का फॉर्मूला लिखें, तो RD ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। पुट द वैल्यू, 0.52 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। यू विल गेट द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 520 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नाउ अगेन राइट द फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। प्लेस द वैल्यू ऑफ डेंसिटी 520 जो अभी निकाली हमने, इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम गिवन द 2 मीटर क्यूब। तो 2 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मास इज इक्वल टू 520 × 2 मीन्स 1040 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें हमको एयर का मास कैलकुलेट करना है जो एक कमरे में भरी है, और उस कमरे की डायमेंशन है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 4.5 मीटर × 3.5 मीटर × 2.5 मीटर, और जो एयर कमरे में भरी है उसकी डेंसिटी दी हुई है NTP पर 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ द रूम निकाल लें उसके डायमेंशन से लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करके, तो वी विल गेट द फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उसमें वैल्यू रखेंगे तो 4.5 × 3.5 × 2.5 मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द एयर गिवन है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम में वैल्यू रख दीजिए, 1.3 इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसको सॉल्व करेंगे तो मास आ जाएगा 51.19 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर सेवन, इसमें कहा गया है
नंबर 9, इसमें एक बॉडी का मास जिस 70 किलोग्राम दिया है और इसको कंप्लीटली पानी में इमर्स कर दिया गया तो 20,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो जाता है। इसका मतलब 20,000 सेंटीमीटर क्यूब उस बॉडी का वॉल्यूम हो गया। तो हमको वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर निकालना है और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड 20,000 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको हमें मीटर क्यूब में बदलना है। तो हमने 20,000 को डिवाइड कर दिया 10^6 से, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब में 3 बार हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी विल गेट वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 × 10^-2 मीटर क्यूब। अब हम अपथ्रस्ट का फॉर्मूला लगाएं तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। अपथ्रस्ट होता है वी इंटू रो, क्योंकि ये न्यूटन में नहीं है तो जी नहीं लगाएंगे। तो v into rho is equal to weight in air 70 दिया हुआ था माइनस वेट इन वाटर x मान लिया, और वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ली है। तो 2 × 10^-2 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इज इक्वल टू 70 - x। इसको सॉल्व करेंगे, 20 = 70 - x और x इज इक्वल टू 70 - 20 = 50 kgf। पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब हमको सेकेंड पार्ट में रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। तो आर डी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला गया है एक बॉडी का मास 3.5 kg है और जब ये पानी में डाली जाती है पूरी तरह से तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस कर देती है। देखिए, एक यूनिट किलोग्राम में है, दूसरी सेंटीमीटर क्यूब में है वॉल्यूम। हमको वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करना है, अब थ्रस्ट कैलकुलेट करना है और अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर कैलकुलेट करना है। तो पहले पार्ट में वॉल्यूम तो हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड पार्ट में अब थ्रस्ट निकाल नंबर 13, इसमें कहा गया है एक सॉलिड का वेट 1.5 kgf इन एयर है और 0.9 kgf इन लिक्विड ऑफ द डेंसिटी 1.2 × 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो हमें आरडी ऑफ सॉलिड निकालना है। तो देखिए, हमको वेट इन एयर मालूम है W1 1.5 kgf, वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड मालूम है W2 इज इक्वल टू 0.9 kgf, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो मालूम है 1.2 × 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब थ्रस्ट का फॉर्मूला लिखिए, V into rho is equal to W1 minus W2, यानी कि वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। अब वॉल्यूम V जो हम कैलकुलेट करेंगे इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू 1.2 × 10^3 इज इक्वल टू
W1 माइनस W2 में लिखेंगे 1.5 माइनस 0.9। सॉल्व करिए तो V इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब। अभी इसको पूरा सॉल्व नहीं किया हमने। नाउ डेंस क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोला गया है एक पीस ऑफ स्टोन जिसका मास 15.1 ग्राम है, इसको पहले एक लिक्विड में डिप किया जाता है और तब उसका वेट 10.9 जीएफ ऑब्जर्व किया जाता है और उसके बाद उसी स्टोन को पानी में डाल दिया जाता है तो उसका वेट 9.7 जीएफ आ जाता है। तो इसमें हमको चार पार्ट कैलकुलेट करने हैं, वेट ऑफ द पीस एंड स्टोन इन एयर, वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आइए तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट, वेट ऑफ द स्टोन इन एयर, एज यूजुअल पता है 15.1 जीएफ है तो वही हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में हमको वॉल्यूम निकालना है स्टोन का, तो अब थ्रस्ट का फॉर्मूला लिखिए। अब थ्रस्ट V रो इज इक्वल टू W1 माइनस W3। यहां पर हम W3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वेट ऑफ स्टोन इन वाटर 9.7 W3 लिया है हमने, तो W1 माइनस W3 लिखेंगे तो V इंटू 1 इज इक्वल टू 15.1 माइनस 9.7, तो V इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। थर्ड पार्ट में RD ऑफ स्टोन अगर हम निकालना चाहें तो RD इज इक्वल टू W1 अपॉन W1 माइनस W3 किया, means weight of body in air upon weight of body in air minus weight of body in water, तो RD आ जाएगी 15.1 upon 5.4 यानी कि 2.8। अगर फोर्थ पार्ट में हम RD of liquid निकालना चाहें तो हम लिखेंगे weight of body in air minus weight of body in liquid यानी apparent loss in weight of body in liquid upon W1 minus W3 means apparent loss of weight in body in water।
तो हम लिखेंगे 15.1 माइनस 10.9 अपॉन 15.1 माइनस 9.7, इसको सॉल्व करेंगे तो 4.9 अपॉन 5.3 मीन 0.78 आंसर आ जाएगा।